अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, यानी ज़राअत की मालूमात। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है यूरिया और अमोनियम सल्फेट में फ़र्क क्या है, और जो आजकल हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है अमोनियम सल्फेट वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह क्या है, आया हमें यूरिया की जगह पर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पौधे को नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑलरेडी, और हमारे जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो सबसे सस्ता भी यूरिया ही पड़ता है हमें। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिससे हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा भी करें और हमारा खर्चा भी बहुत कम हो। यूरिया के अलावा कोई भी ऐसा हमारे पास सोर्स नहीं है जिससे हम अपने पौधे को सस्ते तरीके से नाइट्रोजन फ्राहम कर सकें। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अमोनियम सल्फेट क्या है, मतलब अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना हमारे पौधों के लिए बेहतर है या नहीं है। तो जहाँ तक बात आती है हमारी यूरिया की, यूरिया एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम मतलब हम इसे हवा से ही हासिल करते हैं। जब हम इसे अपने किसी भी फील्ड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 70% तक हमारी ज़ाय हो जाती है। मतलब कोएंजाइम के तौर पर ये हमारी, हम इसे बनाते भी हवा से हैं और ये हवा में ही खारिज हो जाती है। आपके पास और भी बहुत सारी खादें हैं, मतलब ज़बरदस्त, यूरिया तो बहुत ही अच्छी खाद है, लेकिन वो आजकल हमारे पास यहाँ पर आसानी से अवेल नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को मशवरा देता हूँ कि आप जो है ना, अपने पहला पानी जो आप लगाते हैं नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए, आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर आप कम अज़ कम अपनी 20-25 किलो यूरिया के अंदर 15 से 20 किलोग्राम अगर आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पौधे की जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो डबल उसे मतलब मिल सकती है। उससे क्या होगा कि क्योंकि वो होती है हमारी, जैसे हमारी खादें नीम कोटेड होती हैं, इसी तरह वो सल्फेट कोटेड होती है हमारी जो अमोनियम सल्फेट है, जिससे क्या होता है कि हमारे कोएंजाइम जो है ना वो ज़ाय नहीं होते, हमारे पौधे को वो जो हम मिकदार डाल रहे होते हैं अपनी नाइट्रोजन की वो अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो हमारे काश्तकार भाइयों को इसी तरीके से अपने जो है ना, अपनी फसल को अच्छे से अच्छी नाइट्रोजन फ्राहम कर सकते हैं, अगर आप 15 से 20 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट का नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन मतलब मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ, यूरिया के साथ अगर आप अमोनियम सल्फेट का 15 से 20 किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फसल जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी और इसी तरीके से आपको डबल फायदा मिलेगा अपने खेत में।